फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्टिंग अ नंबर। सो मैनिपुलेटिंग नंबर इज एट द कोर ऑफ अ प्रोग्रामर्स जॉब टू टेस्ट हाउ वेल यू नो देयर प्रॉपर्टीज। यू आर आस्क्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यू आर गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू AN। यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू इंटीजर using all the digits of these numbers such that it would be divisible by 3. You can reorder the digits as you want to. The resulting number can contain leading zeros. For example, consider a number 50, 40, and 90 from which you have to construct a new integer as described below, as described above, not below. Numerous arrangements of the digits are possible, but we have illustrated one below. So they are given an example, ये एक example दे रहे हैं और इसमें कहा गया है कि 50, 40 और 90 है। इसमें आप digits को rearrange कर लीजिए। इन्होंने एक number बनाया 005490 और इसमें ये जो number है वो divisible by 3 है और ये कह रहे हैं कि अगर ये number हमारा divisible by 3 होता है तो आप एक काम करो कि yes return कर दो, otherwise आप no return कर दो। ठीक है, तो इनके जो टेस्ट केसेस हैं वो 100 तक जा सकते हैं और जो नंबर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स गिवन है वो 100 तक हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला हमारा केस है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक एरे है जिसमें नंबर्स हैं और उन नंबर्स को रीऑर्डर करके आपको दूसरा नंबर बनाना है, और नंबर जो आप बना रहे हैं अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो इसका मतलब है कि आपको रिटर्न यस करना है, अदरवाइज नो रिटर्न करना है। बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर आपके पास कई सारे नंबर्स गिवन है, अगर आप उनका सम कर दीजिए और सम करने के बाद अगर वो डिविजिबल बाय 3 होता है तो इसका मतलब उस उन नंबर से बने हुए सारे नंबर्स होंगे वो डिविजिबल बाई 3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारा करंट एग्जाम्पल गिवन है 50, 40 और 90, तो अगर आप इसमें 50 + 40 + 90 करेंगे सो दिस कम्स आउट टू 180, और जो कि 180 डिविजिबल बाई 3 है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर्स, ये जो डिजिट्स हमें गिवन है इनसे जो हम नंबर्स बनाएंगे, कोई भी नंबर हम बनाएंगे डिविजिबल बाई 3 ही होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करेंगे और हम कोड करेंगे। आई होप कि मेरा कोड सही से रन होना चाहिए। तो एक चीज और हमें ध्यान देनी है कोड करते समय कि जब हम इन नंबर्स को सम कर रहे हैं तो जब इन नंबर्स को आप सम करते हुए चले जाएंगे आगे और आपके पास एक बड़ा एरे होगा तो उस केस में ये जो सम है वो हो सकता है कि इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर जाए। तो आप एक काम कीजिएगा कि जिस सम में आप ऐड करा रहे होंगे उसको लॉन्ग डिक्लेयर कर दीजिएगा और फार्मूला आप बनाएंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, अगर हमारा एरे ए है तो एरे ए का आईथ एलिमेंट, और इसको एक लूप में रख दीजिएगा। सो फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, I less than, मान लेते हैं कि n is the length of this array या size of this array, sum is equals to sum plus a कीजिएगा। एंड में जब आपके पास सम फाइंड हो जाएगा तो बस आप एक सिंपल सा चेक अप्लाई कर दीजिए कि अगर सम मॉडुलस 3 0 है तो यस रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज आप नो रिटर्न कर दीजिए। तो बहुत ही आसान से सोल्यूशन इसका हम निकालने वाले हैं। आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके पास एक एरे गिवन है। जो लोग सी में जानते हैं कोडिंग वो भी इसको समझ लें कि वेक्टर का मतलब ये है कि एक डायनामिक एरे है। तो दिस इज सिंपल, आप इसको बिल्कुल सिंपल एरे की तरह से ट्रीट कीजिएगा क्योंकि इसमें एरे की साइज गिवन नहीं है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं ए डॉट साइज से। सो एन इज नाउ द साइज ऑफ द एरे। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे सम को लॉन्ग लेना पड़ेगा, मैंने सम को लॉन्ग डिक्लेयर कर लिया है और एरे के लिए मैंने एक लूप चलाया है 20 नंबर लाइन में, और ये लूप 0 से n माइनस 1 तक चलेगा। सारे एलिमेंट्स को मुझे सम कर लेना है 22 नंबर लाइन में, मैंने सम कर लिया, और जब ये लूप फिनिश होगा तो मेरे पास सभी एलिमेंट्स का, एरे के सभी एलिमेंट्स का सम सम नाम के वेरिएबल में अवेलेबल होगा। लास्ट में अगर सम जो मेरा है वो डिविजिबल बाई 3 है तो मैं रिटर्न यस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। कोड को सबमिट करके देखता हूँ। यस, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस मेरे
करेक्टली रन करनी है। सो आई होप कि मैंने इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर लिया है और आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिंग नंबर्स इन द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ द हैकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।